Good morning, class. Today we are going to start GK for class 3rd. So this is your book. Take out your books. And open your chapter. Chapter number first about insects means कीड़े मकोड़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे. कीड़े मकोड़े के बारे में जानेंगे, किस टाइप के कीड़े मकोड़े होते हैं और वो क्या करते हैं, क्या लाभ है उनसे, क्या हानि है, सारी चीजें हम लोग ये जानेंगे इस चैप्टर में. चलिए स्टार्ट करते हैं. ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा भी. चैप्टर फर्स्ट अबाउट इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों के बारे में, कीड़ों के बारे में जानकारी है ये. इंसेक्ट्स आर फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट नियर द पोल्स एंड इन द सीज. इंसेक्ट्स आर फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट नियर द पोल्स एंड इन द सीज. जो कीड़े मकोड़े होते हैं वह हर जगह पाए जाते हैं. वर्ल्ड एक्सेप्ट नियर द पोल्स एंड इन द सीज. दुनिया ध्रुवों के पास है और क्या होता है, पोल्स एंड सीज मतलब क्या होता है, ध्रुव और सीज में समुद्रों के पास भी पाए के आकार का छोटा होता है, मतलब ये बहुत छोटे भी होते हैं बहुत बड़े भी होते हैं. ये ध्रुवों के आकार के, मतलब ध्रुव क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना ध्रुव तारे, तो उनके आकार के भी होते हैं और समुद्र के आकार के भी ये होते हैं. इंसेक्ट्स आर स्मॉल इन साइज एंड देयर नंबर्स ग्रो वेरी फास्ट. इंसेक्ट्स आर स्मॉल इन साइज. जो कीड़े मकोड़े होते हैं स्मॉल इन साइज, साइज में छोटे होते हैं. एंड देयर नंबर्स ग्रो वेरी फास्ट, और उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है. ठीक है, इंसेक्ट्स आर स्मॉल इन साइज एंड देयर नंबर्स ग्रो वेरी फास्ट. कीड़े आकार में छोटे होते हैं और उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है. सम इंसेक्ट्स आर कॉल्ड पेस्ट बिकॉज दे हार्म अवर प्लांट्स फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स. सम इंसेक्ट्स आर कॉल्ड पेस्ट्स. जो कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं उनको कीट भी कहते हैं. पेस्ट मींस क्या होता है, कीट कहते हैं. बिकॉज दे हार्म, वो क्या होता है, दे हार्म अवर प्लांट्स, वे हमारे पौधों के लिए भी नुकसान मतलब हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स, वे हमारे पौधों को, भोजन को, मतलब ये जो फूड होते हैं, फूड प्लांट होते हैं, फसलों को और जानवरों को भी हार्म पहुंचाते हैं. सम इंसेक्ट्स ऑल्सो लीव ऑन ह्यूमन ब्लड. सम इंसेक्ट्स ऑल्सो लीव ऑन ह्यूमन ब्लड. कुछ कीड़े मानव रक्त पर भी निर्भर करते हैं. जो कुछ कीड़े होते हैं मानव रक्त मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी में ब्लड है उस पर भी वो निर्भर होते हैं. हमारे ब्लड में भी वो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं. कभी कभी देखिए क्या होता है, हम लोग तबीयत खराब होती है, हम लोग डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर लिखते हैं ब्लड टेस्ट, तो वो इसीलिए लिखते हैं कि देखा जाए इनके ब्लड में क्या है, कौन से जर्म्स हैं, किस जर्म्स की वजह से क्या इनकी प्रॉब्लम हो रही है, सारी चीज जानने के लिए हमें ब्लड टेस्ट लिखते हैं. लेट अस नो अबाउट सम पेस्ट. लेट अस नो अबाउट सम पेस्ट. चलिए हम लोग कुछ कीटों के बारे में जानते हैं. फर्स्ट है लॉक्स. लॉक्स मीन्स क्या होता है, टिड्डियां. लॉक्स मीन्स टिड्डियां, देखते हैं ना जो तोते की तरह होता है, टिड्डा जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है तोते की तरह. पिछले बार ही होता है, अभी कोरोना जब पिछले बार हुआ था तो हुआ था, टिड्डों से सावधान रहे. टिड्डे जो थे बहुत जगह
बहुत हार्म पहुंचा रहे थे, लॉक्सन्स वही होता है टिड्डा। दीज आर ग्रासोफर विच ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन टूज नंबर्स। दीज आर ग्रासोफर्स विच ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ह्यूज नंबर्स। ये टिड्डे होते हैं जो भारी संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ग्रासोफर मिस भी टिड्डा होता है, लॉक्समिस बंदी टिड्डा होता है। तो ये टिड्डे होते हैं जो भारी संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वाइल्ड ट्रेवलिंग दे अटैक एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एज वेल एज ऑलमोस्ट एनी प्लांट दे फाइंड इन देयर वे। वाइल्ड ट्रेवलिंग यात्रा करते समय, ठीक है, यात्रा करते समय ये फसलों पर हमला करते हैं। मतलब देखते हैं, देखिए आप लोग देखते होंगे कि इनका झुंड जाता है, जब ये धान गेहूं की फसल लगती है तो इनका झुंड जाता है ग्रीन कलर का, और ये फसलों पर अटैक करते हैं। एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एज वेल एज ऑलमोस्ट एनी प्लांट दे फाइंड इन देयर वे। मतलब ये क्या करते हैं, यात्रा करते समय वे फसलों पर हमला करते हैं और साथ ही लगभग किसी भी पौधों को नष्ट कर देते हैं। फसलों पर हमला करते हैं और साथ साथ वो फसलों को नष्ट भी कर देते हैं जो उनके रास्ते में आता है। फार्मर्स आर वेरी अफेयर्ड ऑफ देम। फार्मर्स आर वेरी अफेयर्ड ऑफ देम, जिससे किसान इनसे बहुत डरते हैं। फार्मर्स आर वेरी अफ्रेड ऑफ देम, जिससे किसान इनसे बहुत डरते हैं। तो ये तो आपने लॉक्स यानी ग्रासोफर और टिड्डों के बारे में जाना। ग्रासोफर मीन्स टिड्डियों, इनके बारे में जाना। नेक्स्ट है क्लिक बैटल। क्लिक बैटल, क्लिक बैटल ये एक कॉकरोच की तरह होता है, ये क्लिक बैटल ही इसको कहते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इफ दीज बैटल सम हाउ becomes upside down, it arches or bends its body with a loud sharp click and snaps its shell straight. If this beetle somehow, अगर यह beetle किसी भी तरह से इंच भर ऊपर हो जाती है, becomes upside down in arches or bends its body with a loud sharp click and snaps itself straight. अगर यह बैटल किसी भी तरह से इंच भर भी ऊपर हो जाती है या अपने शरीर को एक तेज क्लिक के साथ मोड़ लेती है, ठीक है, और खुद को सीधा कर लेती है। This battle is named after this body action. तो इस battle का नाम इसकी body action के नाम पे रखा गया है। ये battle क्या होती है, कभी कभी चलते चलते क्या होता है, ये पलट जाती है और यह पीठ के बल आ जाती है, ठीक है, बैक साइड में हो जाती है। तो ये ऐसे ही बैक साइड में ही चलती रहती है और ये अपने आप सीधी हो जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है क्लिक बैटल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्रैगनो फ्लाई। आपने अभी तक दो पढ़ा, एक लॉक्टोस एंड क्लिक बैटल, नेक्स्ट है आपका ड्रैगनो फ्लाई। ड्रैगनो फ्लाई मीन्स क्या होता है, ड्रैगनो फ्लाई आपकी एक ड्रैगन वाली होती है। इससे भी जल्दी देखते हैं क्या होता है इससे। द ड्रैगनो फ्लाई इज द फास्टेस्ट फ्लाइंग इंसेक्ट, इट कैन रीच स्पीड्स ऑफ अप टू 97 किलोमीटर पर आवर। द ड्रैगनो फ्लाई इज द फास्टेस्ट फ्लाइंग इंसेक्ट। ड्रैगनो फ्लाई सबसे तेज उड़ने वाला कीट है, ठीक है। ड्रैगनो फ्लाई इज द फास्टेस्ट फ्लाइंग इंसेक्ट। ड्रैगनो फ्लाई सबसे तेज उड़ने वाला कीट है। इट कैन रीच स्पीड्स ऑफ अप टू 97 किलोमीटर पर आवर या 97 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति
तक पहुंच सकता है, मतलब जो इसकी स्पीड होती है वो 97 किलोमीटर पर आवर होती है, मतलब एक घंटे में वे 97 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। कौन? ड्रैगनफ्लाई। ड्रैगनफ्लाई सबसे तेज उड़ने वाला कीट है, तेज उड़ने वाला कीट है, और उसकी जो रफ्तार होती है, उड़ने की जो स्पीड होती है, वो एक घंटा मतलब 97 किलोमीटर पर आवर होती है। एक घंटे में वो 97 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इट हैज वेरी गुड आई साइट एंड कैन सी थिंग्स ऑल अराउंड। इट हैज वेरी गुड आई साइट एंड कैन सी थिंग्स ऑल अराउंड। इसकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी है, ठीक है, इसकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है और यह चारों ओर की चीजों को देख सकता है। जो ड्रैगनफ्लाई है उसकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है और ये चारों तरफ देख सकता है, मतलब वो जो इसकी आईज है वो एकदम माथे के पास होती है, आपके हेड पे होती है, फोरहेड पे होती है, और ये वहां से सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देख सकता है, ठीक है। तो ये आपका ड्रैगनफ्लाई हो गया। नेक्स्ट है मॉस्किटो। मॉस्किटो मीन्स मच्छर। मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटोज फीड ऑन द ब्लड ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। फीमेल मॉस्किटोज फीड ऑन द ब्लड ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। जो मादा मच्छर है वो मनुष्यों, फीड ऑन द ब्लड, वो मनुष्यों के खून पर, खून में होती है, मतलब मनुष्यों के खून में होती है। फीमेल मॉस्किटो जो होते हैं, मादा मच्छर होती है, फीड ऑन द ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। जानवरों और मच्छरों में पाए जाते हैं मादा मच्छर, ब्लड में पाए जाते हैं, सॉरी। दे फाइंड देयर विक्टिम्स थ्रू सेंट्स। They find their victims through scents. वे गंध के माध्यम से पीड़ितों को ढूंढते हैं। Victims means क्या होता है? पीड़ित। Scents means गंध होता है। गंध के माध्यम से पीड़ितों को ढूंढते हैं। These mosquitoes can smell and carbon dioxide that humans and animals breathe out as well as some substance found in sweat. These mosquitoes can smell and carbon dioxide. ये जो मच्छर होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सूंघ सकते हैं, और जो मनुष्य या जानवर सांस लेते हैं और साथ ही पसीने में पाए जाते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं साथ में पसीने में पाए जाने वाले कुछ पदार्थ, मच्छर एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। मतलब ये क्या है, देखिए इसको, ये है जो ये मच्छर होते हैं, कैन स्मेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वे कार्बन डाइऑक्साइड को सूंघते हैं, एंड दैट ह्यूमंस एंड एनिमल्स ब्रीथ आउट एज वेल, और मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स या ह्यूमंस बाहर की तरफ फेंकते हैं उससे वे क्या करते हैं, उनको पहचान लेते हैं। एज सम सब्सटेंस फाउंड इन स्वीट, स्वीट मीन्स क्या होता है, पसीने में वो सारी चीजें पाई जाती हैं। मॉस्किटोज आर अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। मॉस्किटोज आर अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। मच्छर एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। दे ट्रांसमिट डिजीज लाइक डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया इटीसी। दे ट्रांसमिट, वे रोगों को फैलाते हैं। कौन कौन से रोग फैलाते हैं? डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया आदि, ठीक है। तो ये मॉस्किटो के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका साइट में दिया रहता है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। देयर आर
अबाउट 99 lakhs नोन स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड थाउजेंड ऑफ न्यू वंस आर आइडेंटिफाइड एवरी ईयर. इसमें क्या होता है, यहाँ की लगभग 9 लाख किलोमीटर की प्रजातियां, ठीक है, 9 लाख की प्रजातियां जो है की इंसेक्ट्स मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं, और एक नई पहचान के हजारों वर्ष हैं. मतलब ये जो हैं इन क्या है, ये सारी प्रजातियां क्या हैं, वंस आर आइडेंटिफाइड एवरी ईयर, एक नए प्रकार की हर साल में इतने प्रकार थाउजेंड हजारों प्रकार की प्रजातियां, नई प्रजातियां हमें मिलती हैं, ठीक है. तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट अबाउट इंसेक्ट्स यहीं पे फिनिश होता है. आई होप आप लोग को समझ में आ गया है. तो आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, पीडीएफ के थ्रू आप लोग को इसका जो भी होगा शॉर्ट नोट्स या क्वेश्चन आंसर वो आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा. सो थैंक यू सो मच.